उसे बर्नौली ट्रायल के क्वेश्चन अभी रिसेंटली पेपर्स में अपने को देखने को मिल रहा है। वैसे आते भी थे लेकिन अब क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऑफ पेपर बढ़ गई है तो इसलिए बर्नौली ट्रायल के क्वेश्चन ऑब्वियसली हम देख पा रहे पेपर में। और लेकिन लास्ट ईयर लास्ट लास्ट ईयर अगर आप देखेंगे तो फ्रीक्वेंसी बर्नौली ट्रायल की इतनी नहीं आती थी बट कम आती थी। बट बर्नौली ट्रायल एक ऐसा टॉपिक है जो आप खुद के दम पे भी कर सकते हो, इसके लिए उनके टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं होती। बट थोड़ा सा जिनको नहीं क्लैरिटी होती कि बर्नौली ट्रायल यूज कैसे करते हैं, इसके लिए ना कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन थोड़ा सा आना चाहिए, एकदम हाई फाई नहीं चाहिए बर्नौली ट्रायल ना, थोड़ा सा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की अरेंजमेंट ऑफ अलाइट टर्म्स नॉन लाइट टर्म्स ये सब आप कैसे कर लेते हैं। जैसे 5 मैंगो और 3 ऑरेंजेस, मैं मान के चलूंगा कि मैंगो के शेप और साइज सेम है और जो ऑरेंजेस है उसके भी शेप और साइज सेम है, मैं ये मान के चल रहा हूँ। तो 5 मैंगो और 3 ऑरेंज को हम लोग एक लाइन में अरेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, तो ये छोटी अलाइक वाले, अलाइक मतलब जो सेम दिखते सेम दिखने वाले ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट अपने को आना चाहिए, तब जल्दी से अपने को बर्नौली ट्रायल समझ में आ जाए। तो उसके लिए मैं थोड़ा जल्दी से स्टार्ट करता हूँ। दो टॉपिक अपने को आना चाहिए, तो देखो दो टॉपिक अपने को आना चाहिए, एक होता है इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होता है वो पता होना चाहिए और दूसरा अलाइक टर्म्स। अलाइक टर्म मतलब जब सेम ऑब्जेक्ट दिखने वाले का अरेंजमेंट कैसे किया जाता है वो थोड़ा सा, बस वो क्या बस यही दो चीजें। तो इस ये बर्नौली ट्रायल स्टार्ट करने से पहले इसलिए मैं सोच रहा हूँ आप लोग को इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है वो बता देता हूँ, मतलब डिस्कस कर लेता हूँ। और वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि अलाइक टर्म्स के अरेंजमेंट कैसे किए जाते हैं, तो वो दोनों चीज डिस्कस कर लेंगे ना, तो इसका फ्लेवर यहाँ पर बर्नौली ट्रायल में यूज। चलो अब देखो दो इवेंट्स को इंडिपेंडेंट कब बोलते हैं, उसके लिए मैंने आप लोगों को वीडियो शेयर किया था, वीडियो देखना था मेन चीज, तो वो वही था कि अगर आप वो वीडियो देख के आए हैं तो बहुत जल्दी भी आपको ये टॉपिक समझ में आया। चलो तो देखो दो इवेंट्स को इंडिपेंडेंट हम लोग तब कहते हैं जब उनके इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी, ये जो होता था ना ये रहा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए कहा गया, हाँ देखो ये रहा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू होता है पी ए इंटू पी बी, ये था फॉर्मूला। दिस इज व्हाट मैथमेटिकल कंडीशन ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट। तो दो इवेंट अगर इंडिपेंडेंट है तो ए इंटरसेक्शन बी की जो प्रोबेबिलिटी होगी, जो भी ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी होगी वो इवेंट ए और इवेंट बी के इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी की मल्टीप्लाई के इक्वल आती है। तो ये पूरा प्रूफ लो वीडियो में कवर है, तो अगर आप वीडियो देखे हैं तो समझ में आ गया होगा, नहीं देखे हैं तो फिर अभी आप क्लास के बाद देख लेना, नहीं तो फिर बहुत पीछे हो जाओगे। और जो देख लिए और उसके बाद डाउट आ रहा है तो मुझे बता दीजिए अभी, कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स का वीडियो देखने पर डाउट तो नहीं आ रहा था, वो देख लो। तो दो इवेंट्स को हम लोग इंडिपेंडेंट तब कहते हैं जब उनके इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लीकेशन उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी के वैल्यू के इक्वल आता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, देन ओनली वी कैन से दिस इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। नाउ इसके रिजल्ट्स क्या क्या थे, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स होते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स के। देखिए दो इवेंट अगर इंडिपेंडेंट हैं तो ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा, वो तो होगा ही होगा ठीक है। इन स्पाइट ऑफ दिस वो इवेंट ए का कॉम्प्लीमेंट जो है ना, ए कॉम्प्लीमेंट कॉमा बी, तो इवेंट ए कॉम्प्लीमेंट कॉमा बी भी इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं। इसका मतलब ये है, मैंने रिजल्ट वैसे नेक्स्ट पेज में लिखा है बट ये तीनों पहले अपन पढ़ लेते हैं इसका। जब ए और बी दो इवेंट इंडिपेंडेंट है तो ए कॉम्प्लीमेंट कॉमा बी ये दो इवेंट्स भी इंडिपेंडेंट होते हैं, ए कॉमा बी कॉम्प्लीमेंट इवेंट्स भी इंडिपेंडेंट होते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट कॉमा बी कॉम्प्लीमेंट वाले इवेंट्स भी इंडिपेंडेंट होते हैं ये तीनों। इसका मतलब क्या इंडिपेंडेंट होते हैं तो उसका मतलब क्या, तो देखिए इसका मतलब ये होता है फर्स्ट रिजल्ट, मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। एग्जांपल जैसे मैं आपको एक चीज नहीं बोल रहा था अभी कि अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर मैं बोल दूं कि ए कॉम्प्लीमेंट और बी भी इंडिपेंडेंट है तो वो सिमिलरली ऐसे हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ए कॉम्प्लीमेंट और बी
ये इवेंट भी इंडिपेंडेंट तब होते हैं जब ए और बी अपने आप में इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो उस समय ए कॉम्प्लीमेंट और बी इवेंट भी इंडिपेंडेंट होंगे, और उसका मैथमेटिकल मीनिंग ये है, ठीक है। और उसका प्रूफ ये वीडियो में दिया हुआ था, तो मैंने वीडियो आप लोग को शेयर किया था, तो वीडियो देखना बहुत कंपलसरी है, नहीं तो प्रोबेबिलिटी क्लास अटेंड करने का कोई फायदा नहीं होगा ना। सेकेंड रिजल्ट क्या था, वही कि ए और बी कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होंगे अगर ए और बी इवेंट भी इंडिपेंडेंट है तो। अगर ए और बी इवेंट भी इंडिपेंडेंट है तो ए कॉम्प्लीमेंट सॉरी ए और बी कॉम्प्लीमेंट इवेंट भी इंडिपेंडेंट होंगे। इंडिपेंडेंट होंगे का मतलब क्या हो जाता है, फिर से वही है, ये देखो तो लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। तो दो कोई भी दो इवेंट ना इंडिपेंडेंट तब कहलाते हैं जब उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी उनके इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल आ जाती है, ठीक है। ये ध्यान रखना अपने को कि दो इवेंट इंडिपेंडेंट तब कहलाते हैं जब उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी उनके इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी की वैल्यू के बराबर आते हैं। चलो आगे बढ़ा जाए, तो ये ऐसे इवेंट्स को हम लोग इंडिपेंडेंट बोलते हैं। वैसे ये मैथमेटिकल मीनिंग है, अब एक्चुअल मीनिंग समझते हैं इंडिपेंडेंट की। दो इवेंट्स को इंडिपेंडेंट तब बोलते हैं जब एक इवेंट का होना दूसरे इवेंट के होने के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। जैसे एग्जांपल, मैंने एक कॉइन एक हाथ में कॉइन रखा और एक हाथ में डाइस रख दिया, ठीक है। तो एक कॉइन में मैंने एक हाथ में जो मैंने कॉइन रखा है वो कॉइन में हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इस डाइस इस हैंड के जो डाइस है उस डाइस में नंबर 5 आने की प्रोबेबिलिटी को कोई इफेक्ट नहीं करेगा ना। इसका हेड आना इसके ये डाइस के नंबर 5 नंबर 6 या नंबर 2 को कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है। जब एक इवेंट दूसरे इवेंट को इफेक्ट नहीं करता है तब वैसे इवेंट्स को इंडिपेंडेंट कहते हैं। बट हर वक्त आपको ये मीनिंग वाइज नहीं चल रहा है, कुछ बार मैथमेटिकल मीनिंग भी आपको, मैथमेटिक्स में तो इम्पोर्टेंट है मैथमेटिकल मीनिंग। तो ये मैथमेटिकल मीनिंग है ना इंडिपेंडेंट इवेंट्स की, ये मैथमेटिकल मीनिंग है जो येलो कलर के बॉक्स में लिखी हुई है कि दो इवेंट को इंडिपेंडेंट तब कहते हैं जब उन दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी उनके इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी के मल्टीप्लाई के इक्वल आ जाती है। ये इनकी मैथमेटिकल मीनिंग कहलाती है। और अदरवाइज टेक्निकल मीनिंग क्या रहेगी, जो मैं आपको बोल रहा था कि एक इवेंट दूसरे इवेंट को अफेक्ट नहीं कर रहा है, उसका होना या ना होना, ये इवेंट का होना या ना होना इस इवेंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, और ये इवेंट का होना या ना होना इस इवेंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। दैट इज व्हाट टेक्निकल मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स। बट इम्पॉर्टेंट टेक्निकल के साथ साथ इम्पॉर्टेंट मैथमेटिकल मीनिंग भी है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट इवेंट से कहलाते हैं। चलो अब दूसरी चीज जो मैं आपको बोल रहा था, अदर देन इंडिपेंडेंट इवेंट आपको ये पता होना बहुत कंपलसरी है कि अलाइक अलाइक मतलब जो सेम दिखते हैं उनका अरेंजमेंट कैसे किया जाता है। तो वो थोड़ा हम लोग थोड़ा सा ये याद कर लें, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और फिर तुरंत हम लोग बर्नौली ट्रायल स्टार्ट कर देंगे, ठीक। चलो देखियो, तो हाउ मेनी वेज टू अरेंज द लेटर ऑफ द वर्ड, यही एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। तो ये मिसिसिपी, जो मिसिसिपी शब्द है, इस शब्द के अरेंजमेंट कितने तरीके से हो सकते हैं। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में यही बताया गया है कि आपको इनके ये देखने हैं कि इनमें टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने, पहले वो देख लो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टोटल देखो, 11 अल्फाबेट्स आ रहे हैं, नॉट वर्ड्स, अल्फाबेट चाहिए। तो इस वर्ड में टोटल 11 अल्फाबेट्स हैं। अब 11 अल्फाबेट तो हम लोग क्या बोलेंगे पता है, इनके टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग दोनों बना, विद मीनिंग भी और विदाउट मीनिंग। तो आप क्या करोगे, ये 11 लोग हैं, 11 फैक्टोरियल लिख दोगे डिवाइड में। अब डिवाइड में उतने जुड़वा या उतने, फोर फैक्टोरियल, टू फैक्टोरियल, फोर फैक्टोरियल, थ्री फैक्टोरियल, हाँ क्या बोले बात, फोर फोर और टू, फोर फैक्टोरियल, फोर फैक्टोरियल, टू फैक्टोरियल। अच्छा होम भी है क्या, ठीक है। तो आई आ रहा है 4 टाइम्स, एकदम सही बात है इनका, आई 4 टाइम्स आ रहा है देखो, और एस जो आ रहा है वो भी 4 टाइम्स है हमारे पास, और पी जो है ये 2 बार आ रहा है, ठीक है। तो जितने बार अलाइक ऑब्जेक्ट मतलब आई आई को हम बोलेंगे वो अलाइक है, वो एक कैटेगरी का अलाइक है, एस दूसरी कैटेगरी का अलाइक है, और पी तीसरी। तो ये 3 अलग अलग कैटेगरी के अलाइक ऑब्जेक्ट्स अपने को दिख रहे हैं। तो आई 4 टाइम्स अपियर हो रहा है ना, तो आई विल डिवाइड विथ 4 फैक्टोरियल, जितने कॉमन लाइक फैक्टोरियल मटेरियल होते हैं उतने फैक्टोरियल से आप डिवाइड करेंगे। तो दिस 4 फैक्टोरियल रिप्रेजेंट फॉर आई, दिस 4 फैक्टोरियल रिप्रेजेंट फॉर एस, एंड दिस 2 फैक्टोरियल रिप्रेजेंट फॉर पी।
तो जितने अलाइक ऑब्जेक्ट रहते हैं उतने फैक्टोरियल से आपको पर्टिकुलरली टोटल एलिमेंट से डिवाइड करना। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कैन बी 11 फैक्टोरियल बट डिवाइडिंग बाय 4 फैक्टोरियल इनटू 4 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। तो फ्रॉम हियर वी कैन गेट नंबर ऑफ वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग। तो बहुत कंपलसरी है ये चीज पता होना, अदरवाइज फिर आपको वहां पर दिक्कत आएगी बर्नौली ट्रायल स्टार्ट करने में। तो ये पता होना बहुत मतलब कंपलसरी चीज है। इन स्पाइट ऑफ दिस एक और एग्जांपल है आपके पास, यस नंबर ऑफ अल्फाबेट्स जैसे इसके निकालने सॉरी नंबर ऑफ अरेंजमेंट विद और विदाउट मीनिंग जैसे हमको पता लगा। ठीक है तो हम लोग इसमें भी क्या करेंगे देखो, ई ई ई एफ एफ पांच लोग हैं सर, दस नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे। देखिए ये पांच डिफरेंट लोग हैं, फाइव फैक्टोरियल आप मान लेंगे, पहले आप मानेंगे कि पांच डिफरेंट लोग हैं, बट सच्चाई तो ये है कि तीन ई थ्री ई आर सिमिलर एंड टू एफ आर सिमिलर। तो डिवाइड इट बाय थ्री फैक्टोरियल एंड टू फैक्टोरियल, थ्री फैक्टोरियल रिप्रेजेंट फॉर थ्री ई एंड टू फैक्टोरियल रिप्रेजेंट फॉर टू एफ। अगर ये पांचों के पांचों अल्फाबेट डिफरेंट होते तो फाइनल आंसर होता फाइव फैक्टोरियल, बट ये पांच में से तीन ई सेम है और दो एफ सेम है। ठीक है तो हम लोग उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिए। लेट्स यूज दिस कॉन्सेप्ट इन बर्नौली ट्रायल, बोथ कॉन्सेप्ट इंडिपेंडेंट इवेंट्स एंड अरेंजमेंट ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट। तो जितने लोग को ये पता है, देखो इंडिपेंडेंट इसीलिए मैं बोलता हूँ बर्नौली ट्रायल कोई नया चीज नहीं है। हाँ ये है उन्होंने इन्वेंशन बहुत नया चीज किया था साइंटिस्ट बर्नौली ने, बट आप लोग के लिए कुछ नया इसलिए नहीं कहलाएगा क्योंकि इंडिपेंडेंट और नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट ही है। तो अगर आप बर्नौली ट्रायल बिना पढ़े हुए भी एग्जाम हॉल में जाते हैं जेई के तो भी आप क्रैक कर सकते हैं। बस बेसिक चीज आपको आना चाहिए वो एक तो ये नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेम अल्फाबेट्स या सेम अलाइक ऑब्जेक्ट्स एंड सेकेंड चीज इंडिपेंडेंट इवेंट आपको पता होगा। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन इसका बर्नौली ट्रायल का। देखिए ये बर्नौली ट्रायल स्टार्ट किए बिना हम ये क्वेश्चन क्रैक करते हैं पहले। ठीक है ये क्वेश्चन बर्नौली ट्रायल का ही है बट आपको पता ही नहीं चलेगा कि बर्नौली ट्रायल का, आप ऐसे ही बना सकते हैं बर्नौली ट्रायल दैट आल्सो मीनिंग स्टैंड फॉर बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए क्वेश्चन क्या है, अ कॉइन इज टॉस 50 टाइम्स, फाइंड क्या फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 16 हेड। अच्छा 50 बार एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं हम लोग। ठीक है अच्छा टॉस कर रहे मतलब क्या, एक बार मैंने कॉइन को टॉस किया, पहले टॉस में हेड आया या टेल नहीं पता मैं, दूसरे बार जब मैंने टॉस किया ना तो दूसरा बार जब ट्रायल कर रहा हूं मैं तो वो पहले ट्रायल को जस्ट इसके पहले बार जो मैंने ट्रायल किया था कॉइन को टॉस किया था उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है दूसरा ट्रायल। क्यों, क्योंकि पहले ट्रायल में हेड आएगा या टेल आएगा ये नहीं पता मैं, सपोज हेड आ गया तो सेकेंड थ्रो में सेकेंड ट्रायल मतलब सेकेंड थ्रो में हेड आएगा कि टेल आएगा ये पहले वाले ट्रायल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो ऐसे ट्रायल्स को इंडिपेंडेंट ट्रायल्स कहते हैं हम लोग या इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहते हैं। तो एक कॉइन को आप 50 बार क्या 100 बार ट्राई करोगे 100 बार टॉस करोगे तो वो इंडिपेंडेंट कैटेगरी में ही आएगा। अब देखिए मुझे 16 हेड्स चाहिए, जब यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है ना 16 हेड्स मतलब क्या एग्जैक्टली 16 हेड्स की एटलीस्ट 16 हेड्स की एटमोस्ट 16 हेड्स, जब ये वर्ड नहीं लिखा हुआ है ना तो एग्जैक्टली माना जाता है। तो एग्जैक्टली 16 हेड्स आपको चाहिए इसका मतलब ये, अगर ये वर्ड नहीं लिखा गया है कोई भी वर्ड नहीं लिखा गया है तो इसका मतलब होता है कि 16 हेड एग्जैक्टली 16 हेड्स एग्जैक्टली चाहिए। अब देखिए ये है क्वेश्चन बर्नौली का बट हम लोग ऐसे ही ट्राई करते हैं ना। अच्छा इस क्वेश्चन को एक और लैंग्वेज में आपके सामने कैसे प्रस्तुत किया जाएगा, कैसे प्रेजेंट किया जाएगा कि एक कॉइन को 50 बार उछालो या 50 कॉइन को एक बार में उछाल दो, एक ही मतलब है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, a coin is tossed 50 times or 50 coins are tossed simultaneously, मतलब एक ही आप थोड़ा सा देख लो दोनों लैंग्वेज मतलब एक ही है, किसी को डाउट है तो एक बार पूछ। ऊपर वाली जो लाइन और नीचे और के नीचे जो लाइन हो दोनों के मीनिंग सेम कैसे, देखो 50 कॉइन आप ले लो एक साथ सबको टॉस करो तो पहले कॉइन में हेड आएगा कि टेल, सेकेंड कॉइन में हेड आएगा कि टेल, वो पहले कॉइन थर्ड कॉइन सेवेंथ कॉइन ये सबके ऊपर कोई डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है तो उसी तरीके की कहानी है ना, सब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट सब है। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे क्रैक करेंगे हम लोग, क्या इसका आंसर ऐसा हो सकता है क्या, वन ऑफ द पॉसिबल आंसर आप देखिए ऐसा लिख सकता हूँ क्या मैं, और याद रखिएगा सब ना इंडिपेंडेंट है भी ध्यान रखना। ठीक है तो मैं मान लेता हूँ, मान लेते हैं लगातार 16 बार हेड आ गया, ठीक है 50 बार मैंने कॉइन टॉस किया और फिर लगातार टेल आ गया,
16 हेड चाहिए। मैं एक केस मान रहा हूँ कि लगातार मान लेता हूँ 16 बार हेड आ गया है, और लगातार मैं मान लेता हूँ बाकी जो बच रहे अपने पास 4 टाइम्स वो टेल आ, तो मुझे इन दी एंड क्या क्या चाहिए था, 50 बार कॉइन टॉस करना था, 50 बार कॉइन टॉस में 16 हेड चाहिए था। ये वन ऑफ द पॉसिबल आंसर है, वन ऑफ द, ठीक है, एक मिनट ध्यान से सुनना, वन ऑफ द पॉसिबल आंसर है। तो आप थोड़ा आराम से सेंसिबल तरीके से आंसर दीजिएगा। अगर मैं बोल देता हूँ फर्स्ट टॉस में हेड आ गया, सेकेंड टॉस में हेड आ गया, थर्ड टॉस में भी हेड आ गया, ऐसे करते करते 16 टॉस तक हेड आते गया, तो सबके सब इवेंट एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। तो जब सबके सब इवेंट एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं तो याद है क्या होता था, प्रोबेबिलिटी क्या होती थी, मल्टीप्लाई। तो मैं बोल देता हूँ एक बार मैंने कॉइन को टॉस किया तो हाफ तरीके से हेड आ गया, ये पहले कॉइन का था, फिर दूसरे बार मैंने टॉस किया फिर हाफ तरीके से हेड आ गया, तो एक के बाद एक सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना। तो आपको पता है ये हाफ कितने बार आएगा, ये हाफ आ जाएगा 16 टाइम्स, एक के बाद एक सब मल्टीप्लाई होते जाएंगे। अब ये भी तो आएगा हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ, टेल भी तो 30, तो प्रोबेबिलिटी मुझे मिल रही है अगर 16 बार हेड लगातार आते हैं, 16 टाइम्स हेड लगातार आते हैं और 34 टाइम्स टेल लगातार आते हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है आपकी स्क्रीन पे लिखी है, हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ अप टू 16 टाइम्स, फिर इंटू टेल आने की प्रोबेबिलिटी, एक बार टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है हाफ, तो हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ अप टू 34 टाइम्स, तो उसको मैंने लिख दिया हाफ के पावर में 34, दैट रिप्रेजेंट 34 टाइम्स कमिंग टेल्स, एंड हाफ के पावर में 16 को आई कैन से 16 टाइम्स कमिंग हेड। तो ये एक बार है ना, ये लेकिन कौन सी प्रोबेबिलिटी का आंसर है जब 16 के 16 लगातार हेड आ रहे हैं और 34 टाइम्स लगातार टेल आ रही है। बट आपको भी पता है मुझे भी पता है ये वन ऑफ द केस था, ये टोटल केस थोड़ी होगा। तो आपको पता है इसके सामने मैं एक चीज और मल्टीप्लाई करूंगा, वो क्या कि ये सबका अरेंजमेंट, सबका अरेंजमेंट मतलब क्या, ऐसा भी तो हो सकता है ना हेड हेड आ जाए फिर टेल 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 लगातार आ जाए फिर हेड 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 आ जाए, ऐसे करते करते बहुत सारे केसेस आ रहे होंगे, वो 16 हेड को मैंने इधर उधर अरेंज कर दिया और 34 टेल्स को मैं अरेंजमेंट कर रहा हूँ। व्हाट आई कैन से कि 16 हेड और 34 टेल्स को मैं अरेंज कर रहा हूँ एक लाइन में, मुझे ये तो नहीं बोला गया था ना क्वेश्चन में कि लगातार 16 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, मुझे तो बस ये बोला गया था कि 16 बार हेड आ जाए, तो उसको उसमें तो मैंने एक केस को लेके आंसर निकाला, पूरे पॉसिबल केस कैसे निकालूंगा मैं, अरेंजमेंट ऑफ 16 एच एंड 34 टी, तो वो कैसे होगा पता है, ये टोटल 50 लोग है, 50 फैक्टोरियल अपॉन 16 फैक्टोरियल, 16 फॉर एच एंड 34 फैक्टोरियल फॉर टी, ठीक है। देखो तो ये जो बाजू में आंसर लिखा हुआ था ना ये एक बार का था, वो था ना जैसे बचपन में हम लोग क्वेश्चन नहीं करते थे, एक पेन की कॉस्ट अगर 5 रुपए है तो 15 पेन की कितनी होगी, लाइक दिस, तो हम लोग क्या करते थे 15 को 5 से मल्टीप्लाई करते थे और 75 रुपीज लिख के आते थे। तो वैसी लॉजिक है, अगर एक अरेंजमेंट का आंसर हाफ के फॉर्म में 16 इंटू हाफ के फॉर्म में 34 है तो टोटल अरेंजमेंट, ये टोटल अरेंजमेंट कहलाए, तो टोटल अरेंजमेंट का आंसर क्या होगा, ये टोटल अरेंजमेंट 50 फैक्टोरियल अपॉन 16 फैक्टोरियल इंटू 34 फैक्टोरियल, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा एक अरेंजमेंट से, तो 50 फैक्टोरियल स्टैंड फॉर, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये एच एच और ये टी टी लोग जो है 50 लोग अलग अलग है मान लीजिए, तो इसलिए 50 फैक्टोरियल मैंने न्यूमरेटर में लिखा, डिवाइड में मुझे पता है सच्चाई ये है कि 16 हेड्स जो सेम दिखते हैं वो लोग के फैक्टोरियल से मैं डिवाइड करूंगा। तो अभी अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे अरेंजमेंट ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स, तो 16 फैक्टोरियल फॉर एच एंड 34 फैक्टोरियल फॉर टी, तो दिस इज व्हाट आंसर। तो देखिए अब इसी लॉजिक को लेके हम लोग देखते हैं कि बर्नौली ने फॉर्मूला क्या बताया, सेम यही चीज है ना, सेम यही चीज जो हम लोग अभी आंसर की। तो देखो ये तो हम लोग अपने कॉमन सेंस से भी कर सकते थे, यही चीज को बर्नौली ने बताया अपने फॉर्मूले के रूप में कि एक एक्सपेरिमेंट को आप कितने बार कर रहे हो, कितने इंडिपेंडेंट ट्रायल आपने लिया वो गिन लो, मैं उसको बोलता हूँ एन इंडिपेंडेंट ट्रायल, एक एक्सपेरिमेंट आप कितने बार कर रहे या कितने इंडिपेंडेंट ट्रायल आपको दिख रहे हैं उस एक्सपेरिमेंट में, तो 50 इंडिपेंडेंट ट्रायल दिख रहे थे मुझे इस क्वेश्चन में क्योंकि 50 टाइम्स मैंने कॉइन टॉस किया था, ठीक है। तो उस इंडिपेंडेंट ट्रायल में आपको क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे 16 हेड चाहिए 16 हेड, ठीक है, और क्या नहीं चाहिए था, टेल नहीं चाहिए था, तो जो नहीं चाहिए ना वो भी कॉन्ट्रीब्यूट करता है प्रोबेबिलिटी में, क्यों, क्योंकि वो भी तो आ रहा है ना,
आपको नहीं चाहिए तो क्या हो जाएगा, वो आपकी इच्छा आपको नहीं चाहिए, बट वो आएगा तो सही, वो पॉसिबिलिटी में तो काउंट करेगा अपने आप को। तो उन्होंने फॉर्मूला क्या बताया बंदोनी ने कि एन में से कितने आपको सक्सेस चाहिए वो देख लो, सिलेक्शन कर लो एनसीआर तरीके से, एन मतलब नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल्स, एन आर मतलब उतने सक्सेस चाहिए, इनटू पी के पावर में आर इनटू क्यू के पावर में एन माइनस आर, ये फॉर्मूला है बर्नौली ट्रायल। नाउ व्हाट इज पी, पी रिप्रेजेंट जो आपको चाहिए उसकी प्रोबेबिलिटी, जो आपको चाहिए उसकी प्रोबेबिलिटी, पावर में आर, आर का मतलब कितने बार आपको चाहिए, जैसे 50 टाइम्स मैंने कॉइन टॉस किया था तो 16 टाइम्स मुझे चाहिए था हेड, तो पी की जगह मैं डाल दूंगा हाफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग हेड इज हाफ, और पावर में आर की जगह मैं डाल दूंगा 16, ऐसा। फिर क्यू, क्यू मतलब होता है फेलियर, फेलियर मतलब जो आपको नहीं चाहिए उसको बोलते हैं फेलियर, यहाँ तो क्यू मतलब होता है, या इस क्वेश्चन में क्यू का मतलब हो जाएगा टेल, मुझे टेल नहीं चाहिए था, तो क्यू की प्रोबेबिलिटी डालेंगे आप हाफ, टेल नहीं चाहिए था, पावर में एन माइनस आर, एन रिप्रेजेंट 50 एंड आर रिप्रेजेंट 16, तो 50 माइनस आर इज 34। तो जैसे आप ये पूरी चीज को यहाँ पर पुट करेंगे, एन की जगह 50, आर की जगह 16, यू विल गेट दिस सेम एक्सप्रेशन जो हमें बिना बर्नौली ट्रायल के फॉर्मूले के मिल चुका था। तो ये इसलिए मैं बोलता हूँ कि बर्नौली ट्रायल एक ठीक है, एक फॉर्मूला है, मैं मानता हूँ, बट तो खुद आप लोग बना सकते हैं ऐसा। तो दिस इज व्हाट फॉर्मूला ऑफ बर्नौली ट्रायल, एनसीआर इंटू पी के पावर में आर इंटू क्यू के पावर में एन माइनस आर, वेयर पी रिप्रेजेंट जो आपको चाहिए, जो भी चीज आपको चाहिए, जो चीज आपको चाहिए उसको आप बोलेंगे सक्सेस, और पी रिप्रेजेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, आर रिप्रेजेंट नंबर ऑफ टाइम्स यू वांट दैट सक्सेस, कितने बार आप चाहते थे कि वो आए, क्यू रिप्रेजेंट फेलियर प्रोबेबिलिटी या जो नहीं चाहिए आपको उसकी प्रोबेबिलिटी, एंड एन रिप्रेजेंट नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल, दैट्स इट। ठीक है, चलो अब इसका प्रूफ भी देख लेते हैं, हालांकि प्रूफ मैंने क्वेश्चन के थ्रू समझा दिया, बट एक्चुअल प्रूफ देख लेते हैं इसका कैसे होता है। देखो जैसे हम लोग ने एक एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट में मैंने ऑब्जर्व किया, अगर मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ, देखिए आपको बोल के नहीं आएगा कि बर्नौली ट्रायल का क्वेश्चन है, ऑब्जर्व करना रहता है ना, उस एक्सपेरिमेंट में आप देखिए क्या दो से ज्यादा बार इंडिपेंडेंट ट्रायल हो रहे हैं क्या, दो से ज्यादा देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि दो के लिए तो कभी भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट ट्रायल हो रहे हैं क्या, अगर हो रहे हैं तो आप यस तो मूव आगे आगे मूव कीजिए। अब आप ये देखिए, देन Each of these trial have two possible outcomes. Either वो outcome में success आएगा या तो failure आएगा। तो success की probability मैंने P ले लिया और failure की probability को मैंने Q ले लिया यार। तो either वो independent trial में success आएगा या तो failure आएगा। ये दोनों में से कोई एक चीज आएगी, दोनों चीज तो आ नहीं सकती। At a time दोनों चीज नहीं आएगी ना, दोनों में से कोई एक चीज आएगी। तो common sense ये कहता है कि P plus Q की value 1 होगी हमेशा। तो बर्नौली ट्रायल का ये फॉर्मूले में आपको कभी भी ये यूज करने को बोल सकता है, मतलब कभी भी ये इसकी डिमांड आ सकती है कि P plus Q equals to 1 होता है। फेलियर की प्रोबेबिलिटी आपको जो चाहिए और आपको जो नहीं चाहिए उन दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होता है, ये आपको पता है, फिर भी हम यूज नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको यूज करके आना है, जब भी बर्नौली ट्रायल का क्वेश्चन आएगा तो ये ऑटोमेटिकली यूज हो जाता है। तो पी प्लस क्यू की वैल्यू होती है 1। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए मैं चाहता हूं, मैंने n टाइम्स कोई एक्सपेरिमेंट को ट्रायल किया, कोई एक्सपेरिमेंट के अंदर में इतने सारे ट्रायल किए, वो ट्रायल में मैं चाहता हूं r जगह स्मॉल r, मतलब जैसे 50 बार मैं टॉस कर रहा था कॉइन तो 16 टाइम्स मैं हेड चाहता था, वैसी n टाइम्स अगर मैं कोई एक्सपेरिमेंट को ट्रायल कर रहा हूं तो उस n टाइम्स के इंडिपेंडेंट ट्रायल में मुझे r टाइम्स मुझे सक्सेस चाहिए। तो वही बर्नौली ने किया, जनरल फॉर्मूला डिक्लेयर करके दिया हमें। देखो वो क्या है कि देन प्रोबेबिलिटी ऑफ r सक्सेस, जैसे मुझे लिखना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ पता है, देखो मैं क्या लिखूंगा कि मान लेता हूँ लगातार r टाइम्स मुझे सक्सेस मिली। ठीक है, ये ऐसा पहली बार सक्सेस मिल गई, फिर दूसरी बार सक्सेस मिल गई, फिर तीसरी बार सक्सेस मिल गई, ऐसे करते करते लगातार r टाइम्स सक्सेस मिली, फिर मुझे लगातार फेलियर मिला, मैंने n टाइम्स किया ना, ये पूरा एक्सपेरिमेंट मैंने n टाइम्स किया है। ये देखो यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये पूरा एक्सपेरिमेंट मैंने n टाइम्स किया, पहला सक्सेस आ गया, जैसे मैंने कुछ ट्रायल किया मुझे नहीं पता एक्सपेरिमेंट क्या है,
तो मैं ये मान के चलूँ जो भी मेरा एक्सपेरिमेंट है उसमें पहली बार में मेरे को सक्सेस मिल गया, जो मुझे चाहिए था पहली बार में ही आ गया, फिर मान लेता हूँ दूसरी बार भी आ गया, ऐसे करते करते लगातार आर टाइम्स, पहले स्टार्टिंग के आर टाइम्स मुझे वो सक्सेस जो मुझे चाहिए थी उस एक्सपेरिमेंट के अंदर वो मिलते जा रहे थे। ये तो ऐसा, ये तो वन ऑफ द पॉसिबिलिटी है जो मैं लिख रहा हूँ, पता है, ये वन ऑफ द पॉसिबिलिटी है। और फिर लगातार मुझे मिल गया फेलियर एन माइनस आर, क्योंकि मैंने नंबर ऑफ टाइम्स एन टाइम्स मैंने ट्राई किया, तो ये तो वन ऑफ द टाइम्स है ना, और सबके सब इंडिपेंडेंट है, पहला सक्सेस दूसरे वाले सक्सेस के ऊपर थोड़ी डिपेंडेंट है। और जो एनथ टाइम पे जो फेलियर आ रहा है वो फिफ्थ टाइम वाले सक्सेस के ऊपर थोड़ी डिपेंडेंट है, सब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट चल रहे हैं। तो आपको पता है इनकी प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई हो जाएगी, PS × PS × PS, ये हो जाएगा आइंस प्रोबेबिलिटी का, क्योंकि इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ये ऐसे करते करते प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, देखिए प्रोबेबिलिटी क्यों मल्टीप्लाई हो रही है, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट है, ये याद रखना, ये हो गया आर टाइम्स, ठीक है, ये ऐसा, और ये हो गया अपना एन माइनस आर टाइम्स, ये ऐसा। अब देखिए अभी अभी बर्नौली ने क्या बताया था कि एक बार की प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो होती है वो एक बार इन्होंने मान के चली थी वो थी पी, ये ऐसा पी पी मान के चलते थे ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो होता है वो ऐसा इन्होंने मान लिया था कि पी ले लेना इसको, पी, ये हो गया आर टाइम्स, और फिर q × q × q, ये हो गया एन माइनस आर टाइम्स, सबकी प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई होगी ना, ये हो गया आर टाइम्स और ये हो गया एन माइनस आर टाइम्स, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, ये हो जाएगा पी के पावर में आर इंटू क्यू के पावर में एन माइनस आर, ये ऐसा आ रहा है। अब आप देखिए ये पता है क्या है, ये एक बार की प्रोबेबिलिटी है, वन बार की, क्या वन बार, जब लगातार एस आ रहे होंगे और लगातार एफ आ रहे होंगे, तब जैसे मैंने ये क्वेश्चन में नहीं करवाया था, लगातार एच आ रहे थे और लगातार टी आ रहे थे, मैंने नहीं बोल दिया था ये एक बार की प्रोबेबिलिटी है जो ये येलो बॉक्स में लिखी हुई थी, हाफ के पावर में 16 × 32। टोटल के लिए क्या किए थे हम लोग, वो लगातार एच और लगातार टी को हम लोग ने अरेंजमेंट कर दिया था, कहीं कोई भी कहीं भी आ सकता है, बट 16 टाइम्स आना चाहिए एच, वो एच कहीं पर भी आए, फर्स्ट रैंक में आए या थर्ड रैंक में आए या कहीं पर भी आए, वो 16 टाइम्स आना चाहिए टोटल 50 फ्रिक्वेंसी में। उसी तरीके से टोटल एन फ्रीक्वेंसी में आर टाइम्स एस जो है वो कहीं पर भी आ, तो फाइनली प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइनली ना प्रोबेबिलिटी ऑफ आर सक्सेसेस क्या कहलाएगा पता है, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल फॉर एस एंड एन माइनस आर फैक्टोरियल फॉर एफ इंटू पी के पावर में आर इंटू क्यू के पावर में एन माइनस आर, दिस इज व्हाट प्रूफ ऑफ बर्नौली ट्रायल, जिसमें से हम इसको बोलते हैं एनसीआर। ये देखिए एन फैक्टोरियल बाय एन इंडिपेंडेंट ट्रायल है, तो लगातार एस और लगातार एफ जो आ रहे हैं वो लगातार नहीं आ रहे, वो अरेंजमेंट करना पड़ेगा, तो टोटल 50 लोग का, सॉरी एन लोग का अरेंजमेंट एन फैक्टोरियल से, जिसमें से हमें पता है एस जो है वो जुड़वा है, जुड़वा मतलब सेम अलाइन ऑप्शन, तो कितने एस सेम आ रहे हैं, आर फैक्टोरियल आर टाइम्स एस सेम आ रहे हैं, और एन माइनस आर टाइम्स एफ सेम आ रहे हैं कैपिटल एफ, ठीक है, तो एन माइनस आर फैक्टोरियल से उसके लिए डिवाइड कर दिया एफ के लिए मैंने, और एस के लिए मैंने आर फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया टोटल अरेंजमेंट ऑफ दैट एस एंड एफ, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज वन टाइम, अरे वन टाइम प्रोबेबिलिटी, ये वन टाइम प्रोबेबिलिटी पी का पावर आर और क्यू के पावर में एन माइनस आर, कौन सा वन टाइम, जब लगातार एस आ जाएगा और लगातार एफ आ जाएगा, बट आपको पता है मुझे पता है लगातार तो एक ही केस है, वो सबका अरेंजमेंट करना पड़ेगा ना हमें, तो दिस इज व्हाट बर्नौली ट्रायल सेज अबाउट, कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन आपके सामने लिखा हुआ है, ये एक्सप्रेशन को ऐसे लिखा जाता है एनसीआर पी के पावर में आर क्यू के पावर में एन माइनस आर, वेयर पी रिप्रेजेंट सक्सेस एंड क्यू रिप्रेजेंट फेलियर, सक्सेस तो आर को हम लोग नंबर ऑफ सक्सेस बोलते हैं, एन रिप्रेजेंट नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि इंडिपेंडेंट ट्रायल होगा तभी आप बर्नौली ट्रायल यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं, सॉरी को क्वेश्चन, हाँ ये फॉर्मूला होता है ना, फाइनली आप देख लेना प्रोबेबिलिटी ऑफ आर सक्सेस, लेकिन बर्नौली ने एग्जैक्टली वर्ड का आंसर दिया है, मतलब मुझे जैसे 50 टाइम्स में 16 टाइम्स हेड चाहिए, तो एग्जैक्टली का आंसर है ना बर्नौली, बर्नौली एटलीस्ट का आंसर नहीं देता, तो कैसे देगा, एटमोस्ट का आंसर कैसे देगा वो देखेंगे हम लोग, बट ये जो फॉर्मूला है वो एग्जैक्टली के लिए यूज किया जाता है।
चलो क्वेश्चन नंबर वन में आते हैं। कहा ये क्या लिखा हुआ है? अच्छा वही, एज वी नो दैट सक्सेस एंड फेलियर आर इंडिपेंडेंट इवेंट, सो कंसीडर द कंपाउंड ऑफ एन ट्रायल इन विच आर टाइम्स सक्सेस ऑकर्स एंड एन माइनस टाइम्स। हाँ वही मैंने बता तो दिया, एन माइनस आर टाइम्स फेलियर ऑकर्स, तो ये सब तो लिख लिए हमें। ये हम सबको पता है कि सक्सेस और फेलियर इंडिपेंडेंट होती है, क्यों? क्योंकि कल को सक्सेस आया कोई इवेंट में तो उसी समय फेलियर नहीं आएगा, या सक्सेस आया है तो फेलियर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं था, तो इंडिपेंडेंट इवेंट से कहलाते हैं सक्सेस और फेलियर। ठीक है चलो एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए 100 आइडेंटिकल कॉइंस ईच फॉलिंग हेड वाइज विद प्रोबेबिलिटी पी आर टॉस्ड वंस। ठीक है अच्छा देखो यहाँ पर ये दिया हुआ है 100 कॉइंस ईच फॉलिंग हेड वाइज ना विद प्रोबेबिलिटी पी, जब भी 100 कॉइंस को मैं उछाल रहा हूँ तो जब भी उनमें हेड आ रहा है ना तो उनकी हेड की प्रोबेबिलिटी को आपको हाफ नहीं लेना है, यहाँ पर थियोरेटिकल वैल्यू दी हुई है उसकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू पी रहेगी, ऐसा क्वेश्चन में दिया है, तो ये ध्यान रखना आप हेड की प्रोबेबिलिटी को हाफ नहीं ले सकते इस पर। तो कॉमन सेंस क्या कहते हैं, अगर हेड की प्रोबेबिलिटी हाफ नहीं है वो पी है तो टेल की प्रोबेबिलिटी क्या हो? लक्ष, नवीन, वन माइनस पी, वन माइनस पी, एकदम कॉमन सेंस, सही है। ये थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी ना ध्यान देना, पॉइंट की प्रोबेबिलिटी हाफ नहीं लेना है, मतलब हेड की प्रोबेबिलिटी। चलो तो क्वेश्चन क्या है, 100 आइडेंटिकल कॉइंस ईच फॉलिंग हेड वाइज विद प्रोबेबिलिटी पी आर टॉस्ड वंस, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 कॉइंस स्विंग ऑफ द हेड इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ 51 कॉइंस स्विंग ऑफ द हेड, ओके, देन द वैल्यू ऑफ पी। अच्छा देखो 50 कॉइन, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कहलाते हैं ना, ऑन एन एवरेज आप ऐसे ही बोल सकते हो, ऑन एन एवरेज क्वेश्चन कहलाते हैं, कि ऑन एन एवरेज ये पाया गया है कि 50 कॉइन को जब मैं टॉस करता हूं, सॉरी 100 कॉइन को जब मैं टॉस करता हूं तो 50 कॉइन जब हेड दिखाएंगे या 51 कॉइन जब हेड दिखाएंगे तो उनकी प्रोबेबिलिटी सेम, तो थ्योरेटिकल ऐसा है, तो आपको बताना है पी की वैल्यू क्या हो। तो क्वेश्चन शुरू होते ही खत्म, देखिए कैसे, देखो टोटल कितने बार कॉइन को टॉस किया जा रहा है, 100 टाइम्स, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है 100 टाइम्स ना, तो एन की वैल्यू यहाँ पर कितनी है पता है, 100 है, इतने इंडिपेंडेंट ट्रायल्स है 100। सर क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो क्या सर, क्या आप पीडीएफ भेज दोगे क्वेश्चंस का? ले लो ना, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ सर स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है सर, ठीक है चलो। अब देखिए हम क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 सक्सेसेस, देखो जो मुझे चाहिए ना उसको मैं सक्सेस बोल रहा हूँ ना, यहाँ पर इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 51 सक्सेसेस, सक्सेसेस मतलब यहाँ पर हेड चाहिए आपको, तो देखो अपन फॉर्मूला क्या लिखेंगे, फॉर्मूला क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ आर सक्सेसेस का, फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, वो होता है एन सी आर पी के पावर में आर और क्यू के पावर में एन माइनस आर, ये होता है। तो देखो यहाँ पर मैं एन की जगह क्या लिख दूंगा, एन की जगह मैं लिख दूंगा 100 में से सक्सेस चाहिए, एक सेकंड ना, हाँ तो देखो 100 में से मुझे कितने सक्सेस चाहिए थे 50, तो 100 में से 50 जगह हेड आ जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा 50 पी के पावर में 50 इंटू 1 माइनस पी के पावर में 100 माइनस 50, 100 माइनस 50 इज 50 is equals to 100 c 51 into p के पावर में 51 into 1 minus p के पावर में 49, 100 minus 51 is 49, तो बस यहां से सॉल्व करके आपको p की वैल्यू डिक्लेयर, देखो क्या आती है, देखो एक चीज तो बहुत क्लैरिटी से दिख रही होगी आपको, p का पावर 51 और p का पावर 50 ये पूरा कट जाएगा, और यहाँ पर 1 का पावर 1 माइनस पी के पावर में 49, यहाँ 1 माइनस पी के पावर में 50, एक एक पावर बचेगा ना इस तरह, यहाँ 100 सी 50 लिख दो आप एज इट इज, और यहाँ लिख दो कि आप 1 माइनस पी इज इक्वल टू 100 सी 51, और यहाँ बचेगा सिर्फ पी, पी का पावर 51 और पी का पावर 50 एक दूसरे को कट किए तो सिर्फ पी बचेगा। चलो बस इसको सॉल्व करते हैं, 100 सी 50, 100 से 50 क्या होता है देखिए, ये होता है 100 फैक्टोरियल अपॉन 100 माइनस 50, 50 फैक्टोरियल और इनटू 50 फैक्टोरियल इनटू 1 माइनस पी, यहाँ पर इसको सॉल्व कीजिए 100 फैक्टोरियल
minus 51 is 49 factorial into 51 factorial into p. यस सर, तो देखो 100 फैक्टोरियल 100 फैक्टोरियल कट जाए। अब बस आपको सिंपली फैक्टोरियल सॉल्विंग टेक्निक आपको आनी चाहिए, यू कैन गेट वैल्यू ऑफ पी। तो देखिए क्या आती है आपकी पी की, हाँ जी कितनी आ रही है नवीन? 51/101 एकदम सही आंसर। देखिए 1 माइनस पी के नीचे पी को ला दो और ये दोनों 50 फैक्टोरियल को आरएचएस में पहुंचा दो। यहाँ पर 50 फैक्टोरियल है और एक है यहाँ पर 51 फैक्टोरियल और एक है यहाँ पर 49 फैक्टोरियल। मैंने क्या किया हुआ, सिंपली पी को एलएचएस, आरएचएस वाले पी को मैंने एलएचएस में ला दिया ना, और एलएचएस में जो 50 फैक्टोरियल 50 फैक्टोरियल डिवाइड में था उसको मैंने आरएचएस में शिफ्ट कर दिया सिंपल। अब देखिए आपको पता है 50 फैक्टोरियल ये वाला और एक ये 50 फैक्टोरियल को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 50 इंटू 49 फैक्टोरियल, और नीचे वाले 51 को मैं लिख सकता हूँ 51 इंटू 50 फैक्टोरियल। डिक्रीजिंग ऑफ फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट कहलाता है ना। तो ये देखो 49 फैक्टोरियल 49 फैक्टोरियल कटा और 50 फैक्टोरियल 50 फैक्टोरियल कटा, तो यहाँ से आएगा 1 माइनस पी अपॉन पी, इसकी वैल्यू आ रही है 50 अपॉन 51। तो पी की वैल्यू आप निकालेंगे तो ये ऐसी कुछ आती है, से देखना तो नवीन यही आ रही सर 51/101। सॉल्व कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यू विल गेट द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब पेयर, अब ध्यान से देखना ना क्या क्या चीज चाहिए वो सक्सेस कहलाता है, ठीक है? तो ध्यान देना, अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन 6 टाइम्स। देखो वर्ड में ध्यान दो, अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन 6 टाइम्स। तो ना हर वक्त मैं एक पेयर ऑफ डाइस को रखा हुआ हूँ अपने हाथ में। एक पेयर ऑफ डाइस का मतलब क्या हो जाता है, इधर भी एक डाइस है और इधर भी एक डाइस, इसको मैंने थ्रो किया, जो रिजल्ट आया उसको लिख दिया यहाँ पर, फिर वापस से दोनों पेयर को उठाया, फिर से थ्रो किया, जो रिजल्ट आया उसको लिखते जा रहा हूँ। तो ये जो उठा उठा के थ्रो कर रहा हूँ मैं, कितने बार कर रहा हूँ मैं, 6 बार। तो आपको पता है पेयर ऑफ डाइस को 6 बार थ्रो किया गया है, तो कैपिटल एन, सॉरी नॉट कैपिटल एन, दैट इज इंडिपेंडेंट ट्रायल, इंडिपेंडेंट ट्रायल में 6 बार कर रहा हूँ, गेटिंग अ डबलेट इज कंसिडर अ सक्सेस। तो मुझे एक चीज बताइए, जब एक पेयर ऑफ डाइस को थ्रो करते हैं हम लोग, क्वेश्चन वोशन सब छोड़ दो ना, अभी आप क्वेश्चन वोशन सब छोड़ो, आप ये बस देखिए सैंपल स्पेस क्या होता है जब आप एक बार डाइस को थ्रो करते हैं पेयर ऑफ डाइस, तो सैंपल स्पेस होता है 36। आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये तो चलो सैंपल स्पेस है, आप मुझे बता सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या रहेगी? थी डबलेट मतलब क्या क्या होता है, 1.1, 2.2, 3.3, 4.4, 5.5, 6.6, ये एक पेयर, कोई भी एक पेयर कोई भी एक थ्रो में आ जाए ऐसा। तो मैं तो बोलता हूँ पहले थ्रो की बस बात करो ना, ये 6 थ्रो को छोड़ो, आप बाहर में जाए 6 थ्रो, आप सिर्फ एक थ्रो की बात कीजिए। जब आप एक बार थ्रो कर रहे हैं एक बार, तो वो एक बार थ्रो में डबलेट की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी ये बताइए, एक बार थ्रो कर रही है सर 1/6। हाँ जी 36 आउटकम है, उसमें से 6 लोग हैं जो डबलेट को फेवर कर रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट इज 1/6। एंड एज वी नो दैट कि अब जो चाहिए आपको वो कहलाता है पी और जो नहीं चाहिए वो कहलाता है क्यू, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज 1/6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर दैट इज क्यू विल बी 5/6। तो ये दोनों को पहले से निकाल के रखिए कि अब आप जितने भी बार थ्रो करो, जितने भी बार आपको थ्रो करना करते रहिए, मुझे पता है कि जब भी डबलेट आएगा ना तो उसकी प्रोबेबिलिटी को मैं 1/6 लूंगा, और जब भी डबलेट नहीं आएगा तो 5/6। चलो अब क्या बोल रहे हैं, अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन 6 टाइम्स, मतलब स्मॉल एन की वैल्यू मेरे पास रेडी है, देखो हथियार रेडी हो गए मेरे पास, स्मॉल एन की वैल्यू है 6, पी की वैल्यू है 1/6। सर स्मॉल एन 6 कैसे हुआ, नहीं समझ आया। ये एक एक डाइस का पेयर है ना, ये एक डाइस का पेयर है जिसमें ये प्रोबेबिलिटी आ रही है, या तो डबलेट आए या तो डबलेट ना आए, डबलेट आएगा तो 1/6 तरीके से हो सकता है, डबलेट नहीं आएगा तो 5/6। लेकिन ये तो एक बार का हुआ ना, एक बार का। अब मैं सेकंड थ्रो करूंगा तब भी डबलेट 1/6 तरीके से आ सकता है, और नहीं आएगा डबलेट तो 5/6 तरीके से, ये सेकंड थ्रो का।
ये थ्रो तो पता नहीं कितने बार चलते जा रहे हैं। हाँ हाँ सर ठीक है। थ्रो ना पिछले वाले थ्रो से पाथ इंडिपेंडेंट, इसलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं कि इंडिपेंडेंट ट्रायल जो हो रही है वो सिक्स टाइम्स है। चलो एन की वैल्यू ये हो गई। अच्छा स्मॉल क्यू की वैल्यू अपने पास वो भी रेडी है 5/6। चलो अब आपको क्या चाहिए, कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ नो सक्सेस। नो सक्सेस मतलब मुझे डबलेट चाहिए ही नहीं। लो बताइए, डबलेट ही नहीं चाहिए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इक्वल्स टू जीरो, ठीक है ये नहीं चाहिए तो फॉर्मूला क्या होगा, 60 p के पावर में 0 और q के पावर में 6 - 0। क्या ये सही फॉर्म नहीं देख लेता सर, यहाँ पे r क्या लेंगे, नहीं चाहिए ना। देखो क्या बोला गया, देखो ध्यान से सुनो यहाँ क्या लिखा है, अ डबलेट इज कंसीडर्ड अ सक्सेस। डबलेट आना सक्सेस है बट यहाँ पर तो कोई सक्सेस ही नहीं बोला गया ये पार्ट में, मतलब जो मुझे चाहिए था अब वो r की वैल्यू मुझे 0 पर। अच्छा अच्छा सर, मतलब डबलेट मतलब सिमिलर टर्म सारे वो r हो गया ना, तो अपने को r नहीं चाहिए। हाँ नहीं सक्सेस क्या बोला गया, डबलेट ठीक है, डबलेट को सक्सेस बोला गया है तो p के पावर में 0 डालना पड़ेगा ए पार्ट को सॉल्व करने। अच्छा अच्छा ठीक है सर, तो देखो इसकी वैल्यू क्या आती है, इसी की वैल्यू क्या आप लोग 6 0 1 होता है, p का पावर 0 1/6 का पावर 0 तो 1 ही होता है, तो देखना इसका फाइनल आंसर आएगा 5/6 का पावर 6, ये इसका फाइनल आंसर ए पार्ट। मैं आपको थोड़ा सा फील करवा, ठीक है बहुत इजीली तरीके से आपको इस चीज को फील करवा, देखिए कैसे बहुत जबरदस्त। तो ना इसके फॉर्मूले से ज्यादा ना आप खुद फील कर करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक सेकंड ना, ये है क्यों जब तक लिख लो, इसको फील करते ना जबरदस्त तरीके से इसको फीलिंग कर। जैसे कि ना देखो ये टाइज है और ये अपना दूसरा डाई, मुझे डबलेट नहीं चाहिए मतलब कुछ भी आ जाए यहाँ पर, सपोज यहाँ 3 डॉट आ गया डाइस के टॉप फेस में, मान लेता हूं मैं यहाँ पर आ गया 5 डॉट्स, 6 डॉट आ गया मान लेता हूं, ठीक है डबलेट नहीं है, देखो यहाँ 3 है यहाँ 6 है डबलेट नहीं है। तो आपको पता है इस टाइप का, इस ये तो एक केस है ना, बट इस टाइप का पहले थ्रो में फर्स्ट थ्रो में मुझे बताना आप आराम से सोच समझ के, एक सेकंड, फर्स्ट थ्रो में ये पहला डाई और दूसरा डाई मिलके टॉप फेस में जो नंबर देंगे उनकी मिलके प्रोबेबिलिटी क्या होगी पता है, मिलके प्रोबेबिलिटी हां सर 5/6 ठीक है सर समझ गया। हां अच्छा सेकंड थ्रो में बताइए पर इसकी भी सर 5/6 सबकी 5/6 5/6 होगी, ठीक है ठीक है, सबके सब क्या है एक के बाद एक हो रहे हैं ना काम। हां हां सर रिवर्स करवा, पहले बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग कर लेते थे फिर मैं लास्ट में बताता था कि ये देखो बर्नौली ट्रायल ये है और ये फॉर्मूला ये है, ठीक है पहले से देख लेते। चलो अब देखो इसी का सेकेंड पार्ट में आते हम लोग, क्या सक्सेस है ध्यान रखना ना, क्वेश्चन के एडिंग में सक्सेस बोला गया डबलेट आएगा तो वो सक्सेस है, मतलब p 1/6 रहेगा और q 5/6। b पार्ट में क्या बोला है, एग्जैक्टली 1 सक्सेस चाहिए मुझे, अब मैं क्या लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 सक्सेस, तो बस हो गया इक्वल्स टू 6 बार मैंने थ्रो किया एक ही जगह सक्सेस चाहिए, 5/6 हो जाएगा हाँ 1/6 के पावर में 1 और ये हो जाएगा 5/6 के पावर में 5, हो गया 6c1 की वैल्यू 6 होती है 1/6 ये तो ये रहेगा और ये हो जाएगा 5/6 की पावर में 5, तो फाइनली देखिए 6 और 6 तो कट गया, फाइनल आंसर इज 5/6 का पावर 5। सर ये कैसे हुआ, अच्छा 1 सक्सेस है तो हां तो 5/6 मतलब 5 बार मतलब नो सक्सेस होगी। और देखो जो आपको चाहिए वो तो ठीक है, जो नहीं चाहिए वो भी तो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना, कैसे मुझे नहीं चाहिए था डबलेट ना आए तो, या मैं ऐसा बोलूंगा जो 6 थ्रो में एक बार डबलेट आ जाए तो बाकी बार नॉन डबलेट आए होंगे ना, नॉन डबलेट 5/6 तरीके से वो भी तो आ रहे होंगे, ठीक है सर ठीक है।
चलो थर्ड पार्ट ना, एटलीस्ट वन सक्सेस। तो मैं आपको बोला था बर्नौली एग्जैक्टली का आंसर देता है, अब आपको एटलीस्ट वन सक्सेस चाहिए तो आप क्या करोगे बताइए। लक्ष्य एटलीस्ट वन सक्सेस चाहिए, कम से कम एक सक्सेस। सर 5/6 का पावर 6 प्लस 5/6 का पावर 5 प्लस 5/6 का पावर 4 प्लस 5/6 का पावर 3 प्लस 5/6 का पावर 2 प्लस 5/6 1-0 सक्सेस। हाँ 1-, क्या बोला हूँ? 0 सक्सेस। एकदम सही पार्ट, आपने बहुत गलत जवाब दिया, मैं प्रूव करूंगा क्यों आपका जवाब क्यों गलत था, वो भी मैं प्रूव करूंगा ना, ठीक है अभी रुक जाओ। इन्होंने बहुत सही बताया, जब भी एटलीस्ट के क्वेश्चन आते हैं ना तो उन्होंने जो बताया वही करना है, हमेशा वन से प्रोबेबिलिटी के केसेस में हमेशा 1-9 सक्सेस कर लो। अगर देखो दुनिया की कैसी भी प्रोबेबिलिटी हो सबका सम 1 ही होता है, तो एटलीस्ट 1 सक्सेस प्लस 9 सक्सेस इक्वल्स टू 1 ही होगा हमेशा, कम से कम एक सक्सेस आ जाए या तो सक्सेस ही ना आए, इन दोनों का सम तो हमेशा 1 होगा ना, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट इवेंट है, तो ये हो जाता है 1-9 सक्सेस। तो 9 सक्सेस का अपन लोगों ने ए पार्ट में आंसर निकाल दिया था, दैट इज 5/6 का पावर 6, तो इसको माइनस कर दीजिए, दैट इज आंसर। बस इतना सही लिख के छोड़ना है ना इसको कैलकुलेशन में, अब देखो पार्ट ने जो बताया वो गलत क्यों था, आपको पता है पार्ट आपने बीच में रास्ते में कहीं ना कहीं ये तो ले लिया ना कि जब आर की वैल्यू 3 है, 3 सक्सेस है, उसको भी काउंट करे हो ना अपने एटलीस्ट 1 सक्सेस। तो देखो इसका काउंटिंग आपका गलत क्यों था, मैं बता वो क्या होगा, पता है 3 से 3 1/6 का पावर 3 आपने लिया ही, ये ले रहे थे 5/6 का पावर, अच्छा ठीक है समझ गया, आप तो बोले तो उसमें ध्यान देना रहेगा कि इसको मटेरियल को भी लेते चलो। हाँ ठीक है सर, इसको भी लेके चलना पड़ेगा, ठीक है दैट इज व्हाट कैलकुलेशन इज। तो ये लंबे मेथड से ना जाके हम लोग शॉर्टकट तरीके से जाएंगे, और शॉर्टकट तरीका बहुत सिंपल तरीका जिससे आंसर बहुत जल्दी दे जाए, तो एटलीस्ट 1 सक्सेस का आंसर इस तरीके से आप निकाल सकते। तो चलो इसका बताइए फिर, एटमोस्ट 2 सक्सेस या 1 सक्सेस, एटमोस्ट 1 सक्सेस का आंसर क्या होगा, कैसे निकालोगे? ज्यादा से सर 9 सक्सेस प्लस 1 सक्सेस प्लस 2 9 सक्सेस प्लस 1 सक्सेस। बढ़िया बढ़िया, या तो 9 सक्सेस या तो 1 सक्सेस, ये दोनों को ऐड कर दूंगा तो एटमोस्ट 1 सक्सेस आ जाएगा, या तो 0 सक्सेस या तो 1 सक्सेस। इसका मतलब फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को ऐड करना है मुझे, तो फर्स्ट पार्ट में आंसर क्या था मेरा 5/6 का पावर 6, और सेकंड पार्ट में आंसर क्या था मेरा 5/6 का पावर 5, तो फाइनली 5/6 का पावर 5 कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा 5/6 प्लस 1, तो फाइनल आंसर विल बी 5 का पावर 5 × 11/6 का पावर 6, ये आंसर है 5 का पावर 5 × 11/6 का पावर 6। तो एटमोस्ट 1 सक्सेस है ना, तो देखिए बर्नौली डायरेक्ट आंसर नहीं देता एटमोस्ट और एग्जैक्टली ना, बर्नौली इनडायरेक्टली आंसर देता है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखो इसमें क्या दिया हुआ, A coin is twice as likely to land head as tails. ये स्टेटमेंट में ध्यान देना, थोड़ा स्टेटमेंट ही कंफ्यूजिंग है। A coin is twice as likely to land as heads as tails. In a sequence of 5 independent trials, find the probability that third head occurs on the 5th toss. जितने लोग ने प्रूफ समझाए ध्यान से, सिर्फ वही लोग ये क्वेश्चन को बना पाते, बाकी लोग नहीं बना पाते भाई। बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट में मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन क्रैक करने में आप लोग खुद अपनी हेल्प कीजिएगा। पहला स्टेटमेंट बस मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, अ कॉइन इज ट्वाइस एज लाइकली टू लैंड हेड एज टेल्स। देखिए फिर से थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी है, मतलब एक कॉइन में ना हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी हमेशा हाफ हाफ रहती है, बट यहाँ पर यह बोला गया है क्वेश्चन ये ऐसा कॉइन है जिसमें हेड जब आ रहा है ना, हेड वो जब भी टेल आ रहा है टेल का 2 गुना हेड है, ऐसा बोला है, आने की प्रोबेबिलिटी का 2 गुना हेड है ऐसा लिखा हुआ। अब कॉइन इज ट्वाइस एज लाइकली टू लैंड हेड एज टेल्स, कॉइन इज ट्वाइस एज लाइकली टू लैंड हेड एज टेल्स, मतलब ऐसा लेना हमें कि टेल के कंपेयर में हेड आने की प्रोबेबिलिटी डबल है, तो लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग टेल इज p, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज 2p, ऐसा है क्वेश्चन का स्टेटमेंट ये बोल। तो इन अ सीक्वेंस ऑफ एन इंडिपेंडेंट ट्रायल, 5 इंडिपेंडेंट ट्रायल मतलब 5 एन की जगह,
फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट थर्ड हेड ऑकर्स ऑन द फिफ्थ टॉस। देखिए आपको बर्नौली ट्रायल का फॉर्मूला नहीं लगाना है इसमें, लेकिन बर्नौली ट्रायल का जो कॉन्सेप्ट हम लोग स्टार्टिंग से समझ रहे थे ना वो लगाना। तो मैं आपको केवल और केवल 2 मिनट दे रहा हूँ क्योंकि जेई का क्वेश्चन है और 2 मिनट ज्यादा मिलता नहीं उसमें, 2 मिनट से ज्यादा मिलता नहीं, तो 2 मिनट में आप टू पी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर इंटू फाइव फैक्टोरियल अपॉन फोर फैक्टोरियल इंटू फाइव फैक्टोरियल अपॉन टू फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल। ये क्या बोल रहे हो सर? फाइनल आंसर सर 8/27। एक मिनट कुछ गड़बड़ तो नहीं? एक मिनट को क्वेश्चन में कुछ तो गड़बड़ है, रुको मैं क्वेश्चन निकाल लेता हूं। अगर मेरे तरफ से लिखने में कुछ गड़बड़ हो गया सर, शायद पीवी का वैल्यू दिया होगा। नहीं नहीं इसमें ये नहीं दिया था, इसमें ये था शायद अ कॉइन इज ट्वाइस एज लाइकली लैंड हैज अ फेस इन अ सीक्वेंस ऑफ फाउल इंडिपेंडेंट पेयर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट थर्ड हेड। अच्छा लिखा तो है, हां ठीक है ठीक सही है सही, फाइंड द लिखा तो है लास्ट टाइम थर्ड हेड ऑकर्स ऑन द फिफ्थ टॉस। मनीष आपका आंसर क्या है? 8/26। मेरे पास आंसर 16/81 है। सर मेरा तो पी के टर्म्स में आ रहा है, पी निकालना पड़ेगा क्या पहले? कॉमन सेंस लगाओ पार्ट, कॉमन सेंस भाई 1/3 और 2/3 दे देना। क्या बात है सर, क्यों? अरे भैया या तो पॉइंट में हेड आएगा या तो टेल, तो दोनों की। अरे अरे यार सर क्या सर, आपने ना जान मुझ के अपने दरवाजे बंद कर दिए। देखिए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल वन रहेगा। मैं आपको नहीं बोल रहा था कि ये क्वेश्चन पूरा का पूरा प्रूफ से कनेक्टेड है, जिनको प्रूफ समझ में आए उनके लिए। तो सर 8/27 आ रहा है मेरा भी। अच्छा आपका भी 8/27, तो देखते हैं मेरे पास कुछ गलत होगा लिखा हुआ, माइंड क्लोज है। ठीक है आप लोग आंसर स्टोर करके लिखे रहो। देखो पी की वैल्यू आ गई 1/3, तो हेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज 1/3 and probability of head is 2/3। अच्छा अब इसके बाद क्या बोला है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि कहाँ गया, find the probability that the third head occurs on the fifth toss। हमें तो इसकी probability बताना है ना, probability of coming third head on fifth toss। तो देखो fifth toss में third head आना चाहिए, तो आपको पता है इसको मैं fix कर दूंगा तो फिफ्थ टॉस में, तो पांचवे टॉस के पहले पहले कम से कम 2 जगह हेड आ जाना चाहिए और 2 जगह टेल रहने चाहिए, बट वो कहां पर रहना चाहिए मुझे नहीं पता, वो 2 हेड और 2 टेल कहां रहना चाहिए। तो आपको पता है मैं इस बार इनके अरेंजमेंट कराऊंगा 2 हेड और 2 टेल के, तो वो कैसे होगा पता है? और ये फिक्स रह जाएगा ना फिफ्थ जगह पे, फिफ्थ वाली जगह पे हेड ही आएगा, वो पोजिशन फिक्स रहेगी। ये 4 लोग का अरेंजमेंट होगा, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल फॉर हेड एंड 2 फैक्टोरियल फॉर टेल, ये लोग का अरेंजमेंट हो गया इनटू एक के बाद एक काम हो रहा था। तो देखो ये कैसे होगा, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या थी, ये लिखा हुआ 2/3, तो हेड कितने बार आ रहा है सब मल्टीप्लाई होंगे ना, 2/3 इंटू 2/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3 और इंटू हेड लास्ट वाले में 2/3, सब एक के बाद एक 5 बार इंडिपेंडेंट ट्रायल है सब। लास्ट वाले का 2/3 क्यों लिए, हेड है ना वो तो फिक्स्ड है क्या, तो वो तो हेड ही आएगा कहाँ पे? हाँ तो हेड आएगा लेकिन कैसे आएगा, 100% शॉर्ट इवेंट थोड़ी है। अच्छा सर तो फिर आपका वाला चाहिए 16/81। मुझे 3 हेड चाहिए और 2 टेल चाहिए,
लेकिन वो तीन हेड में थर्ड हेड जो है वो फिफ्थ पोजीशन में ही बैठे। अच्छा तो अपन इसलिए अपन ने फोर फैक्टोरियल लिया ना, तभी वो लास्ट वाले का अरेंजमेंट नहीं किया है। हाँ लास्ट का मैं अरेंजमेंट बस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है सर। ठीक है मनीष आपने ऐसे किया था क्या? यस सर। तो फिर 16/81 आ जाएगा। तो जब मनीष आपका ऐसे किया था सर वो 2/3 नहीं। अच्छा 2/3 लास्ट में आपने भी नहीं किया था क्या? यस ओके ओके आप लोग उसको श्योर इवेंट मान लिए थे। नहीं वो नहीं कर मैं क्वेश्चन ही नहीं बोल रहा ना कि फिफ्थ हेड ही अपियर होगा, सॉरी फिफ्थ टॉस में हेड ही अपियर होगा ऐसा नहीं। क्वेश्चन तो ये बोल रहा है कि जब फिफ्थ टॉस कर रहे हैं, सॉरी थर्ड और हेड जो आना चाहिए वो फिफ्थ टॉस में आना चाहिए। सर एक तरीके से पीएनसी का भी क्वेश्चन हो सकता है ये। हां क्या बोल रहे हो? सर इसमें पीएनसी का भी कांसेप्ट लग गया है। तो ओम आप स्टार्टिंग की क्लास नहीं थे क्या ये लेक्चर में? नहीं सर नहीं मैं तो शुरू से ही हूं सर आज के तो। हां तो ये तो मैं बताया था ना ये देखो ये। नहीं सर मतलब इसमें सर मतलब वैसा टाइप का नहीं लगा डायरेक्ट फॉर्मूला। हाँ तो मैं तो वही बोल रहा था ना जितने लोगों ने प्रूफ समझा है उनके लिए ये प्रूफ से कनेक्टेड था ना देखो। हाँ सर नहीं सर समझ में तो आ गया। हाँ प्रूफ समझ में आ रहा हो ना तो ये भी समझ में आएगा ये ऐसा। सर आ गया है समझ आ गया। हाँ तो मतलब ये प्रूफ से कनेक्टेड था ऐसा बोल सकते। हाँ सर चलो अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखना ये भी जेई का है एडवांस में आ चुका है क्वेश्चन। अ ड्रंक कार्ड। ड्रंक कार्ड मतलब वही ना पियक्कड़ पार्थ। ठीक है पार्थ का फेवरेट। अ ड्रंक कार्ड टेक्स अ स्टेप फॉरवर्ड और बैकवर्ड द प्रोबेबिलिटी दैट ही टेक्स अ स्टेप फॉरवर्ड इज 0.4 फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एट द एंड ऑफ 11 स्टेप्स ही इज वन स्टेप अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है सर कैसा क्वेश्चन है? सर इसका मतलब इसको 11 में 6 स्टेप्स आगे लेने पड़ेंगे और 5 स्टेप्स पीछे लेने पड़ेंगे। अभी तो एक स्टेप आगे रहेगा। हाँ नहीं इनटू 2 हो जाएगा। क्या बात है। लेट फॉरवर्ड इज टेकन एज सक्सेस ये हो गया अपना नाउ। सो प्रोबेबिलिटी पी क्या रहेगी 0.4 तो बैकवर्ड को मैं लूंगा क्यू हो जाएगी 0.6 ये हो गया बैकवर्ड। ठीक है चलो अब केस नंबर 1 व्हेन he takes he मतलब वो पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। he takes 6 steps forward and 5 steps backward। जब वो 6 स्टेप फॉरवर्ड ले रहा है और 5 स्टेप बैकवर्ड ले रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पर क्या आएगा पता है 6 सक्सेसेस कहलाएंगे ना फिर हमारे। मैंने फॉरवर्ड को सक्सेस लिया हूँ अगर आप बैकवर्ड को लोगे तो मेरा और आपका आंसर मैच ही करेगा ऐसा नहीं आएगा। तो 11 कदम में से 6 मैं फॉरवर्ड ले रहा हूँ और फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है इनटू पी के पावर में 6 इनटू क्यू के पावर में 0.6 ये सर 4 5 आएगा। तो देखिए ये ऐसा हो जाएगा 11 6 पी के पावर में 0.4 के पावर में 6 इंटू 0.6 के पावर में 5 ये हो गया। जब 6 कदम आगे है और 5 कदम पीछे ले रहा है तब भी वो अपने ही स्टेप्स क्या बोलोगे आप इनिशियल पॉइंट से 1 कदम की दूरी। अब इसी का केस नंबर 2 क्या रहेगा जब वो 6 कदम 6 कदम बैकवर्ड ले रहा है और 5 कदम आगे बढ़ तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 सक्सेस कहलाएंगे हमारे लिए क्योंकि मैंने अब आप ये दोनों केसेस को ऐड कर दो यू विल गेट द आंसर।
और आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप पूरा आराम से वैसी काउंटिंग कर सकते हो जैसा हम लोग बर्नौली ट्रायल के प्रूफ में कर रहे थे। ये ऐसा है, देखो मैं आपको एक लॉजिक समझाता हूँ, आप उससे भी कर सकते हो, देखना ना। ये तो वैसा बैकवर्ड 5 बार लिया मान लो और फॉरवर्ड 6 बार लिया, तो भैया हमें नहीं पता ना वो 6 बार फॉरवर्ड कैसे लिया, ऐसा भी तो हो सकता है ना। ये देखो एक काम करता हूँ, ये सबको मैं मिटा, ये देखो ऐसा, पहले एक मान लेता हूँ फॉरवर्ड लिया, फिर बैकवर्ड लिया, फिर बैकवर्ड ले लिया, फिर फॉरवर्ड ले लिया, फिर बैकवर्ड, फिर फॉरवर्ड, फिर फॉरवर्ड, फिर फॉरवर्ड, ये ऐसा। वो तो अपने मतलब एक कदम आगे एक कदम पीछे ऐसे ऐसे कर रहा है, डांसिंग कर रहा है। तो फिर फॉरवर्ड और फिर बैकवर्ड, देखो ये एक वन ऑफ द फुट स्टेप्स है जो उसने फॉलो किया हो, ये वन ऑफ द है। तो देखो यहाँ पर कितने एफ लिखे हुए, 1 2 3 4 5 6 एफ है, और एफ बी कितने लिखे हुए, 5। तो ये कौन सा केस है हमारा, 6 फॉरवर्ड और 5 बैकवर्ड वन। तो इसी का अरेंजमेंट करूंगा मैं, ये एक एक कदम एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, तो सबकी प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करूंगा और सबकी प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करके इसका टोटल अरेंजमेंट कर दूंगा। तो टोटल अरेंजमेंट क्या रहेगा, 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल इनटू 6 फैक्टोरियल, दिस इज फॉर एफ एंड बी, और इनकी एक एक जो भी थी ना वैल्यू उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो एक वैल्यू कैसे आएगी, सबकी प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर, एफ की थी 0.4 फिर ये 0.6 ऐसे सबको मल्टीप्लाई, तो देखना वो ये वाले केस से मैच कर। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आप बर्नौली से करने की जरूरत नहीं है, ये दोनों केसेस को ऐड कर देना, यू विल गेट द आंसर। ये वाला ट्राई कीजिए। नेक्स्ट 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 यस, इन अ हर्डल रेस अ मैन हैज टू क्लियर 9 हर्डल्स। हर्डल मतलब आपको पता है ना बैरिकेड्स लगे रहते, लोग जंपिंग करते, तो 9 हर्डल्स है। प्रोबेबिलिटी दैट ही क्लियर अ हर्डल, कोई एक पर्सन है जिसके बारे में बात हो जाए की जा रही है यहाँ पर, और वो पर्सन किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की बात हुई, वो पर्सन अगर हर्डल को क्लियर कर रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 2/3 है, और वो नॉकडाउन मतलब हो जाता है कि टकरा के गिर जाता, तो क्लियर नहीं कर पा रहा है तो उसकी ऑब्वियसली अगर क्लियर कर लिया तो 2/3 है, तो क्लियर नहीं कर पा रहा है तो 1/3 होगी ना, 1 से माइनस करेंगे। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही नॉक्स डाउन फेवर देन 200 फेवर, इसका मतलब क्या हो जाता है ओम सर, मतलब 0, 1 और 2 केसेस लेना है जिसमें वो गिर जाता है, नहीं मतलब नहीं लेंगे, 0 1 वाले लेते हैं। हां 0 और 1 वाले केस लेना है, 2 वाले नहीं, फेवर द फ्यूअर देन है, ठीक है सर। हां इसका मतलब होता है लेस देन ना। चलो तो ट्राई कीजिए ना ये वाला क्वेश्चन, in a hurdle race a man has to clear 9 hurdles, probability that he clear a hurdle is 2/3 and probability that he knocked down is 1/3, find the probability that he knocks down less than 2 hurdles. batao mahendra babu sir, p ko sir 2/3 le lo aur q ko 1/3 le lo, aapne bola p ko 1 p को 2/3 लो, P को 2/3 सक्सेस वाला हर्डल क्रॉस कर लिया और Q को 1/3। अब सर मैं आंसर बताओ ना, 9C8 into P का पावर 8 into Q plus 9C9 P का पावर 9 और Q का पावर 0, ठीक है चलेगा, सही है ना, सही है। फिर वो जितने बार गिरा उसको ले सकते हो आप। हाँ मैं तो वही बोल रहा था, हम उल्टा करते हैं ना, देखो हमें क्या चाहिए वो मैं सक्सेस करूंगा। देखो हमेशा सक्सेस जीतना नहीं होता ना, जो मुझे चाहिए इस क्वेश्चन की डिमांड क्या है कि वो गिरे, या तो 0 बार गिरे या तो 1 बार गिरे, गिरे मेरी डिमांड। तो मैं ना P इस बार ले रहा हूँ 1/3 को, गिरने वाली प्रोबेबिलिटी को मैं सक्सेस मान, और नहीं गिरेगा उसको मैं फेलियर मान। ये मेरे काउंटिंग करने का टेक्निक है, वो भले जो पार्टनर था वो आंसर सही है, ऐसा तो नहीं वो भी गलत है, बट इससे उससे भी वही आंसर निकालेंगे जो पार्टनर से आंसर, ठीक है। तो देखो तो फाइनली हमारा आंसर क्या होगा, मुझे गिराना है उसको या तो 1 बार या तो 1 बार नहीं, तो फाइनली मैं आंसर यहाँ लिख देता हूँ। तो और कितने बार कितने हर्डल्स क्रॉस करने हैं जो इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, 9 हर्डल्स। तो फाइनली आंसर क्या होगा, 9C0, 1 भी बार नहीं गिरा रहा हूँ मैं, 1/3 के पावर में 0 इंटू 2/3 के पावर में 9 - 0 = 9 प्लस, या तो मैं 1 बार गिराऊंगा सक्सेस, 1/3 का पावर 1
इंटू टू बाय थ्री का पावर एट, बस यही आंसर रहेगा। तो वही पार्थ ने भी बोला था एकदम सही, सही है सर, सही है। तो आपके ऊपर आप किसी को भी वो ले सकते हो सक्सेस और किसी को फेलियर, इसके लिए कोई वो मत लेना कि नेगेटिव ही चीज फेलियर होती है और पॉजिटिव ही चीज सक्सेस होती है, ऐसा नहीं है। आप किसी को भी सक्सेस ले सकते हो और किसी को भी फेलियर, और आप उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व कर सकते हो। ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है ना कि केवल पॉजिटिव चीज को ही आपको सक्सेस लेना, ऐसा कुछ नहीं है। देखो ये 18 मार्च 2021 का ये क्वेश्चन नहीं था, ये क्वेश्चन तो नहीं था सर, ये क्वेश्चन नहीं था, ये नहीं था क्या सर? डायरेक्ट उसमें लिखा हुआ था कि यूजिंग बर्नौली ट्रायल, वो कैसे पता चलता बर्नौली ट्रायल क्वेश्चन है? उसमें लिखा हुआ था कि बर्नौली ट्रायल यूज कर क्वेश्चन बनाना है। हां तो फिर ये शिफ्ट वन या शिफ्ट टू में आया होगा। रुको सर, आपको क्वेश्चन निकाल के भेज दो ना, मेरा वाला भेज दो। देखो क्वेश्चन ये इसी टाइप का था, चेंज कर देते हैं। एन एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म 5 टाइम्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन सक्सेस इज 0.4096 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टू सक्सेस इज 0.2048, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्री सक्सेस निकालनी है। ठीक है, तो मतलब बहुत इजी क्वेश्चन आया था, और फाइव इंडिपेंडेंट ट्रायल, देखो बर्नौली ट्रायल लिख दिया होगा, इसका मतलब ये कि फाइव टाइम्स जो था ना वो इंडिपेंडेंट ट्रायल, अगर ये जो पार्ट बोल रहे हैं मुझे वही लग रहा है कि वो बर्नौली ट्रायल लिखा हो या बर्नौली एक्सपेरिमेंट लिखा होगा, ऐसा वर्ड लिखा हो। तो फाइव इंडिपेंडेंट टाइम्स इसका मतलब ये होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वन सक्सेस 0.4096 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टू सक्सेस ये, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्री सक्सेस निकालनी है। तो n की वैल्यू 5 की हुई है, देखो ये निकालना है 5c3 इंटू p के पावर में 3 इंटू q के पावर में 2, 5 माइनस 3 होता है 2, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब आपको p और q निकालना था भैया जी, तो p और q आप कहां से निकालोगे? ये दोनों की मदद से, प्रोबेबिलिटी ऑफ वन सक्सेस दिया होता 0.406 और प्रोबेबिलिटी ऑफ टू सक्सेस दिया होता ये, तो इन दोनों की मदद से p और q निकालो और यहां पुट कर दो, यू विल गेट द आंसर। तो मुझे बताइए, यू विल हैव ओनली 2 मिनट्स, स्टार्ट। देखिए सबसे पहले हम लोग वही फॉर्मूला यूज करेंगे, एक सक्सेस की प्रोबेबिलिटी दी हुई है और n की वैल्यू 5 है, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और प्रोबेबिलिटी क्या दी हुई है, 0.409, ठीक है, आंसर ये है, नवीन का आंसर सही है, बधाई हो नवीन, आपका आंसर सही है। देखिए ये हो जाएगा 5c1 p के पावर में 1 और q के पावर में 5 माइनस 1 होता है 4 इज इक्वल टू 0.4096 वन इक्वेशन दे। सेकंड, दो सक्सेस आने की प्रोबेबिलिटी 5c2 p के पावर में 2 q के पावर में 3 इज इक्वल टू 0.204 है। देखो दोनों की प्रोबेबिलिटी की वैल्यू में ना 2 गुना का कनेक्शन दिख रहा है, मतलब 2048 का डबल होता है 4096, तो मैंने सोचा है दोनों को डिवाइड कर लेते, ठीक है। तो जैसे मैंने इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड किया तो 5c1 की वैल्यू होती 5 और 5c2 की वैल्यू होती 10, ये दोनों तो ऐसा आ गया, इनटू p और p स्क्वायर यहां पर कटेगा तो एक p बचेगा नीचे, और q क्यूब और q कटेगा तो एक q बचेगा ऊपर, और यहां पर आ जाएगा 2/1, ठीक है, एकदम सिंपल हो गया। तो देखो p की वैल्यू क्या आ जाएगी, मेरे पास p की वैल्यू 2 को इधर भेज दूंगा, तो ऐसा कर लेता हूँ ना, q की वैल्यू निकालूंगा, q आ रही है मेरे पास 4p इक्वेशन 3। आपको पता है बर्नौली ट्रायल में एक कंडीशन है, आप सबको पता है कि p plus q होता है 1, मैंने बोला था ये कभी भी यूज होगा, सक्सेस और फेलियर की प्रोबेबिलिटी का संबंध होता है, तो यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो q की वैल्यू 4p पुट करेंगे तो p की वैल्यू आ जाएगी 1/5, और p की वैल्यू 1/5 है तो q की वैल्यू आ जाएगी 4/5। देखो सही है क्या यहाँ पे, p की वैल्यू 1/5, q की वैल्यू 4/5, यहाँ पर आप लाके पुट कर दीजिए, हो गया क्वेश्चन खत्म। तो देखिए यहाँ पर लाके आप पुट कर दीजिए, मेरा भी 32/25,
5 का पावर 3 इनटू 2 बाय 5 का पावर 2 ये ऐसा है। तो देखिए क्या आ जाएगा, सॉल्व कर दीजिए अभी। सर 4 बाय 5 का 4 बाय 5 हो गई, 4 बाय 5 का पावर 2 है, ठीक है। तो 2 कट जाएगा 32 बाय 125 क्या आ रहा है, ठीक है। तो ये कटा, ये कटा 16 टू द 4 32 आ गया ऊपर में, नीचे आ गया 125, ठीक है। राइट ऑप्शन इज ए 32 बाय 125। तो देखिए बहुत इजी था क्वेश्चन, था जो जे बहुत जल्दी सॉल्वेबल था, कुछ कैलकुलेशन नहीं था इसके, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना। चलो तो कल की क्लास में हम लोग इंडिपेंडेंट इवेंट्स और बायस थ्योरम की कोशिश करेंगे, तो उसके लिए वीडियो देख के आना पड़ेगा। बायनॉमियल खत्म हो गया।